और पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी किए थे। फील्डिंग लगती हुई कानपुर भगत पट्टी की। पांच प्लेयर बाउंड्री लाइन के बाहर रहेंगे, बाकी बॉलर और कीपर को लेके चार अंदर। वीरेंद्र भाई का मोहन देकर डॉक्टर पार को ग्रास किया, अच्छी बॉल वहां पे बीच में। विपिन पहली बॉल डॉट और अपने ओवर की दूसरी बॉल लेके दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी सीधे बॉलर के हाथ में खेला विपिन ने। एक बार फिर वीरेंद्र दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी बॉल वहां पे, बिल्कुल अपनी बॉल से चकमा दे दे रहे हैं वीरेंद्र। बहुत ही वेरिएशन बड़ी गेंदबाजी करते हैं वीरेंद्र, बहुत ही पुराने प्लेयर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे बॉलर, हर बॉल में इनकी विविधता रहती है। एक बार फिर वीरेंद्र बहुत ही अच्छी बॉल वहां पे गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन हनुमान के द्वारा बाउंड्री लाइन पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक रन के साथ खाता खोला विपिन ने, अपना अपनी टीम को पहुंचाया एक बिना किसी नुकसान के पहले ओवर में। अब सामने है राकेश देवेंद्र के, राकेश जो ने पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की देवरिया के खिलाफ, इस मैच में अभी खाता खोलना है उनको। देवेंद्र दौड़ते हुए अपना क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे, एक रन मिलेगा, एक रन के साथ पहली बॉल पे अपना खाता खोला राकेश ने और अपनी टीम को पहुंचा दिया दो रन पे बिना किसी नुकसान के पहले ओवर में। आमिर भाई बड़ा वो के जाए और वो वहां पे बाउंड्री एक बार फिर देवेंद्र बहुत ही शानदार गेंद, यार लेंथ के गेंद और बोल्ड कर दिया विपिन को, तो इस मैच में भी निराश किया विपिन ने, एक रन बना के पहले वापस आते हुए बहुत ही शानदार ओवर देवेंद्र का। इस ओवर में मात्र दो रन खर्च किए उन्होंने और विपिन का पेस कैसे भी कर लिया। चार बॉल पे एक रन बना के आउट होते हुए विपिन, हालांकि बहुत अच्छे वाले बात है लेकिन दिन होता है आज दोनों मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। अब विपिन का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं ब्रिजेश। हेलो ब्रिजेश, अब अपने कोटे का पहला और अपनी टीम का दूसरा ओवर लेके प्रदीप, इनको मेंडिस के नाम से जाना जाता है, काफी अच्छे बॉलर है मेंडिस, लेग स्पिन करते हैं ये। अब फिर पिछले मैच के दोनों बल्लेबाज की ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, शानदार बल्लेबाजी पिछले मैच में ब्रजेश और राकेश ने की थी, अब इस मैच में देखिए क्या करते हैं। हालांकि टीम की संकट में पहले ओवर में दो रन पे एक विकेट गंवा चुकी है। प्रदीप अपने ओवर में पहली बार राकेश के सामने दौड़ते हुए पांच रन किया और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन, खराब फील्डिंग वहां पे, एक रन मिलना चाहिए था लेकिन गेंद लंगा बाउंड्री के बाहर, पांच चार रन, टोटल बढ़ता हुआ स्कोर छह रन, कप्तान का एक विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर।
पति पेपर पे राकेश के लिए बहुत ही अच्छी बॉल बीट विकेट पे। और हम इस मैच का लाइव टेलीकास्ट करने के लिए जयपाल नेता बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं, बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं इस धूप में खड़े होकर बेचारे लाइव टेलीकास्ट। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल नेता को लाइव दिखाने के लिए। एक बार फिर प्रदीप राकेश के लिए बहुत ही अच्छी बॉल, हालांकि पहली बॉल पे मिसफील्ड बाउंड्री तो चली गई थी लेकिन बाकी तीन बॉलों में चकमा दिया राकेश को उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रदीप, बहुत अच्छा प्रदीप। एक बार फिर प्रदीप करते हुए बैटपास किया और खराब बॉल यहां पे साथ आप लेंगे गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर ठहरा। एक छक्के के साथ बढ़ता है स्कोर 12 रन दूसरे ओवर में। राकेश एक बार फिर खेलने के लिए तैयार है सामने बॉलर प्रदीप। अच्छी बॉल और ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति भी 12 रन है, दो ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 12 रन। काफी टीम शुरुआत कप्तान मैच की इस तेंदुलकर का के इस विकेट पे इस मैदान पे 8 ओवर में अगर आपको मैच में कुछ करना है तो कम से कम 100 रन बनाना होगा तब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल रन से भरा हुआ है विकेट ये। पिछला मैच भी आप लोगों ने देखा कि 117 रन के जवाब में 100 रन बना लिया था रेवड़िया ने, काफी नजदीकी मैच हुआ था। एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेके फिर अंदर। अब सामने उनके ब्रिजेश, ब्रिजेश को भी अपना खाता खोलना है, पहली बार का सामना करेंगे संभवतः ब्रिजेश। पिछले मैच में यही जोड़ी थी अपनी टीम को बहुत ही अच्छे स्कोर तक पहुंचा दी थी, बाद में आरपी सिंह ने आके अच्छी बल्लेबाजी की बहुत ही अच्छी। एक बार फिर देवेंद्र राइट का मोटी विकेट के लिए। को किया और अच्छी बॉल वहां पे सीधे बॉलर के हाथ में खेला, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हर बॉल उनकी अलग रखी है, विविधता से भरी हुई स्लोअर यार स्लो बहुत अच्छी बॉल देखिए पर क्या इशारा होता वहां पे पेट में लगी था बॉल। तो दूसरी बॉल पे लगभग चकमा दे दिया था उन्होंने स्लोअर में ब्रिजेश को लेकिन गेंद उनके शरीर से टकराई। एक बार फिर देवेंद्र दौड़ते हुए अच्छी बॉल फिर पैरों में टकराई उनके। अब तक 9 बॉल फेंकी देवेंद्र ने, मात्र 2 रन खर्च किया उन्होंने। बहुत ही शानदार के साथ भाई देखने के लिए लाइव बहुत बढ़िया सामने है ब्रिजेश, बहुत ही अच्छी बॉल इसको खेल दिया है फाइनल बाउंड्री की तरफ। 1 रन के साथ अपना खाता खोला ब्रिजेश ने। बॉलिंग है भैया और ये शानदार स्ट्रोक वहां पे लगी गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, दूसरा झटका तो धीरेंद्र को मिलने वाली दूसरी सफलता। इसी बीच हम लोगों के बीच में हमारे परम मित्र पुनीत सिंह और मोहम्मद आरिफ आगमन हुआ, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है दोनों और अपने पुराने दोस्त प्रशांत सिंह के मैच को देखने के लिए भाई प्रशांत को इनको धन्यवाद करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी धीरेंद्र के द्वारा। दूसरा ओवर चल रहा है, अभी मात्र 3 रन खर्च किया है उन्होंने और 2 विकेट ले चुके हैं। तो
संकट की तरफ बढ़ती हुई इस समय कप्तान है। अब देखिए राकेश का पाने के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। बैट्समैन विक्रांत आए अपनी टीम की डगमगाती नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा साथ वहां पे गेंद फाइनल बाउंड्री के लग गई है एक रन से खाता खोला था और धीरेंद्र का ये ओवर कल है भाई नमन भाई की कल है कल मैच। धीरेंद्र ने दो ओवर में चार रन दर्ज किए और दो विकेट शानदार गेंदबाजी। अब अपने कोटे का देखिए किस बॉलर को सौंपते हैं गेंद। प्रशांत सिंह संभवतः प्रतिनिधि करेंगे। पहले ओवर में हालांकि इन्होंने 10 रन दर्ज किया था लेकिन इस ग्राउंड पे 10 रन भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। धीरेन्द्र भैया लाइन टेन सही पकड़ने प्रदीप अपने कोटे का दूसरा और मिनी में चौथा ओवर लेंगे। प्रदीप अपने फील्डिंग से संतुष्ट नहीं है फील्डिंग को सही करते हुए नहीं स्लो फेंका था ना इनके दिक्कत ना। प्रदीप एक बार फिर विक्रांत के लिए विक्रांत जो कि एक रन लगा के खेल रहे हैं। प्रदीप शॉट का बात कर दिया बहुत ही अच्छी बॉल एकदम फ्लाइटेड डिलीवरी और शानदार विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए शैलेंद्र। प्रदीप एक बार फिर बहुत ही अच्छी बॉल एकदम हवा में चकमा दिया विक्रांत को बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रदीप एक बार फिर उल्टा बॉल लेकिन फायदा नहीं था भाई इसका। विक्रांत एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कप्तान रन का 15 तो ये चौथा ओवर चल रहा है। बहुत ही खराब स्कोरिंग करते हुए कप्तान रन के बल्लेबाज प्रदीप एक बार फिर बहुत ही शानदार बाउंड्री के बाहर छह इस छक्के के साथ कप्तान रन का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। प्रदीप के बल्ले से निकला है पहला छक्का। एक बार फिर मेंडिस अपने ओवर की अगली बॉल लेंगे। प्रदीप डॉट पे बाकरा किया और ये कैच होने का खतरा वहां पे प्रदीप को जाने के लिए बहुत ही खराब फील्डिंग करी जाएगी। एकदम आसान कैच आ जाएगा उसको गिराते हुए तो पहले जीवन दान लेता हुआ प्रदेश को ये जीवन दान कहीं खान पर भरत पट्टी को मांगा ना पड़ जाए प्रताप मोबाइल सेंटर इसका आंकड़ा खानदान बहुत भरत को जरूर हो गया होगा क्योंकि पिछले मैच में ताबड़तोड़ 47 रन की पारी खेली प्रदेश ने और ओवर समाप्त। अच्छा ओवर प्रदीप के द्वारा 22 रन हुआ है 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे कप्तान रन का बिपिन जो कि 1 रन बना के आउट हुए और राकेश 11 रन बना के आउट हुए। अभी ब्रिजेश और विक्रांत के रूप में दोनों बल्लेबाज टिके हुए हैं। अब आधी मंजिल पार कर ली है खानपुर भगत पट्टी ने 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और ये प्रशांत के दरगाह से 3 निकलता हुआ है बल्लेबाज बॉलर हम्मा है
एकदम बिल्कुल देख लीजिए जैसे ही एक क्रिकेटर की तरह होनी चाहिए वैसे ही हम बात की। प्रशांत के टारगेट से तीर एकदम जबरदस्त, बहुत ही शानदार टीम बनाई है उन्होंने। अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाना है तो फिर देश को अंतिम तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम बिल्कुल खराब बल्लेबाजी हुई है अब तक, पांच रन नहीं बना पाए हम। अम्मा एक बार फिर आप मिलने के बाहर राइट मांग रहे थे लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। और ये बहुत ही शानदार फील्डर के नीचे और आउट हो जाएंगे तो इस तरह से प्रिजेंट भी आउट। तो वो एकदम बिल्कुल डगमगा गई है कप्तानगंज की टीम, तीसरा विकेट गिरता हुआ ब्रिजेश के रूप में। अब जा रहे हैं पिछले मैच के शानदार बल्लेबाजी किए थे जो रानीपुर में मनेगा के जेई है आरपी जी। अब सारी जिम्मेदारी खुद कप्तान है अपनी टीम के इन्हीं के ऊपर आ गई फिर, पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अम्माद एक विकेट की खुराक मिलती है अम्माद को, काफी उत्साह में अम्माद एक बार फिर दौड़ते हुए बार को क्रॉस किया, अच्छी बॉल वहां पे लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए पहली स्लिप में प्रशांत के पास गई, एक रन के साथ खाता खोला आरपी ने अपना। धूप बहुत ज्यादा पूरा सर जरा झरका रहा है, बहुत बढ़िया मार्क गोल की छतरिया लेकर आवे छे लेवा के है चला बाहर एक महीने बाद तो और दिमाग खराब हो जाएगा। अम्मा एक बार फिर विक्रांत के लिए छह बॉल पे दो रन बना के खेल रहे हैं विक्रांत, बहुत ही शानदार स्ट्रोक मेरे कहने के बाद तुरंत के एक बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया छह रन के लिए। छह रन के साथ कप्तान गंज का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे पांचवें ओवर में, काफी स्लो स्टार्ट कप्तान गंज की। अम्मा एक बार फिर और ये दूसरा छक्का बैक टू बैक लगता होगा विक्रांत के बल्ले से, अब बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं स्कोर को अम्मा देव बाबे। और अच्छा स्कोर वहां पे गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ लेकिन हनुमान द्वारा अच्छी बिल्ली, इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। इस ओवर में कुछ अच्छी स्कोरिंग हुई है, 14 रन खर्च किए अम्मा ने इस ओवर में, महंगा ओवर ये 14 रन खर्च करके एक विकेट लिए। और ये हमारे जो सभी दर्शकों के चाहते हैं जो बॉल को लाके छोटा सा बच्चा देता है बिल्कुल हर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर से जैसे ही जाती है बॉल के ही स्पीड में निकल जाता है बॉल के बाहर। अभी अपना पुरस्कार आके कमेटी बॉक्स में ले लेगा लड़का हूं राहुल सिंह ने 120 रुपए दिया है देख लीजिए उसकी पोजीशन अभी फील्डिंग की तरह से खड़ी एकदम लग गया बाउंड्री को। एक बार फिर अब्बा आवाज अच्छी बॉल हो तो बॉल 3-4 बजे आ जाओ अब 3 बजे देना 4:30 बजे तक आ जाओ। ओमकार ओमकार बॉल अच्छी बॉल पहली पीटी उस पे विक्रांत एक बार फिर दर्द में बाहर आ गया अच्छी बॉल फिर वहां पे कीपर
बीच हुए और प्रशांत के हाथ में सीधे इसे एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 3 विकेट नुकसान पे छठा ओवर करता हुआ अगर आप बॉल नहीं बैट्समैन पार करेंगे तो फील्डर मुझे लगा बैट्समैन के पास भी आ जाएगा वो बाहर वाला बिल्कुल पोजीशन में अंदर आता हुआ सारा स्ट्रोक आप भी के बल्ले से निकलता हुआ है पहला छक्का इस छक्के के साथ कप्तानगंज का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन छठे ओवर में चौथे ओवर के बाद एक्सीलेटर बढ़ता हुआ कप्तानगंज की टीम का ओमकार एक बार फिर आरपी के लिए दौड़ते हुए फिर शानदार स्ट्रोक वहां पे गेंद लेकिन फील्डर मेंडिस गेंद के नीचे अच्छा कैच वहां पे चौथा झटका लगता हुआ कप्तान में बहुत बढ़िया ओमकार बहुत बढ़िया अगर सौरभ बैठ रहे हैं तो हाथ उठा देंगे अपना बैट्समैन अगर सौरभ होंगे तो बता देंगे हाथ उठा देंगे अपना नहीं तो नाम बता दें अपना राहुल और ये शानदार स्ट्रोक वहां पे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बिल्कुल पोजीशन बना के जहां रखी थी नन्हे से दर्शक ने सीधे उसी के पास से और देखिए गेंद को बहुत सफाई से बाउंड्री लाइन के बाहर उठा लाया इस तरह से विक्रांत के द्वारा तीसरा छक्का लगता है एक बार फिर होता है वहां पे कैच होने का खतरा और छक्का कैच वहां पे उठा के द्वारा पांचवा विकेट गिरता हुआ कप्तान ने इसका अच्छी बल्लेबाजी की विक्रांत ने बारिश रहता है दानी अपनी टीम के लिए अपनी टीम को पहुंचा दिया 49 रन 5 विकेट के नुकसान पे छठे ओवर में कप्तान ने 12 बॉल पे 22 रन की पारी खेली विक्रांत ने राहुल अब तो 12 गेंदों का खेल से देखिए कितना रन बना कप्तान के बल्लेबाज न्यू बैट्समैन में बल्लेबाज मैच नहीं होगा आपको लगता है इसके बाद मैच नहीं है कोई भी भाई अलाउंस नहीं है बहुत ही शानदार स्ट्रोक लेकिन फील्डर गेंद के नीचे अच्छा कैच वहां पे मेंडी के द्वारा बैक टू बैक दूसरा अच्छा कैच पकड़ा गया पहली बॉल पे राहुल बिना खाता गोल है आउट हम आपको मिलने वाली है दूसरी सफलता दोनों बैट्समैन का नाम बता देंगे शैलेंद्र अरविंद अरविंद सामना कर रहे हैं अरविंद सामना कर रहे हैं और देश नाली साइड पे दोनों बल्लेबाजों को भी अपना खाता खोलना है हम आ देख पाते अच्छी बॉल एकदम बिल्कुल ब्लैक होल में फिर ये देख कीपर को भी की स्लिप के पास फाइनल को कर रहे हैं प्रशांत सिंह 50 रन पूरा होता होगा इसी के साथ कप्तान का सातवें ओवर में हम आ देख पाते को अभी अपना खाता खोलना है
डॉक्टर बहुत ही शानदार पार्ट पहली गेंद पे छह रन के साथ खाता खोला अपना और छक्के के साथ अपनी टीम को पहुंचा दिया 56 पर। एक बार फिर अम्मा बॉल फेंकने के लिए दर्शक वहां गया बॉल फेंको अम्मा एक बार फिर और ये दूसरा साथ बॉल में अंतर एक बॉल में रहने के बाद अंतर दोनों बॉल देने के लिए यहां तो दर्शक थोड़ा सा बॉल वापस करते एक बार फिर हमार और ये तीसरा छक्का दूसरा छक्का लगता हुआ अब तक चार छक्का गया कठिनाई दो आदमी सामने इन्होंने तीन बॉल का फेस किया दो छक्के और एक चौके में तब्दील किया बॉल को। शुक्रिया भाई देखने के लिए पवन भाई हमार के उमार को शांत कर लिया और देखिए 17 रन करके दो बार शांत कर दे समान जन की स्कोर तक पहुंचा दिया। अब अगर ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलनी चाहिए और देखो अरविंद को चाहिए सिंगल लेके देने अरविंद भाई को अब लास्ट ओवर मौका पहली बॉल खराब साथ वहां पे तीन बॉल के तो कभी अपना खाता नहीं खोल पाए अभी खाते का होता है। एक बार फिर ओमकार और ये देखिए खाता खोला है इन्होंने छक्के के साथ 72 रन हो चुका है स्कोर अब बढ़ता हुआ तेजी से स्कोर जहां चार ओवर में मात्र 22 रन था बहुत ही शानदार उल्टे तरफ जाते हुए रोका उसको वीरेंद्र ने अच्छी फील्डिंग वहां पे चार बॉल है और सामने हुई जयराना बल्लेबाज अब तीन बॉल का सामना किए हुए दो छक्का एक चौका लगा है ओंकार एक बार फिर अच्छी बॉल वहां पे मात्र तीन बॉल और बची है शायद संभवतः दो बॉल चार बॉल हो चुकी है दो बॉल में देखिए कितना रन बना लेते हैं इसको बहुत ही शानदार इसको गेंद बम मिलेगा चार और हमारा तूफानी फील्डर जो है वो पहुंच गया गेंद के पास राहुल भाई की तरफ से उसको टेम्पो भी दिया जाएगा पैर धोने के लिए बेचारा बहुत बहुत मेहनत कर रहा है इसके बाद कोई मैच नहीं है भाई। एक बार फिर ओंकार अपने ओवर की अंतिम बॉल लेंगे और ये खराब बेचती है बाधा नहीं था पहले बॉल का और ये रन आउट होने का खतरा बहुत खराब फील्डिंग वहां पे दो रन चुरा लिया इस ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर कप्तान का 79 80 चाहिए जीत के लिए अच्छा स्कोर कर लिया लास्ट के चार ओवरों में 58 बाल छोटा बच्चा आ जाएगा आ जाओ देखिए बिल्कुल जोश बनेगा एकदम ये भैया इन जेड अच्छा एन और जेड
जाफर जेड से जे से कप्तानगंज का सम्मानजनक स्कोर पहुंच गया, हालांकि इस विकेट पे बहुत ही कम स्कोर कहा जाएगा। ये भैया थोड़ा जल्दी करिए, खानपुर के उत्तर वाले बात जल्दी मैदान पर पहुंचे। फील्डिंग लगती धीरे धीरे कप्तानगंज की, और क्षितिज और सिलेंडर के रूप में जोड़ी जाती हुई ओपनिंग। और दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं स्ट्राइक पे, है क्षितिज और नॉन स्ट्राइक पे सिलेंडर। पिछले मैच में शानदार 50 रन की नाबाद पारी खेली थी सिलेंडर ने। अपने कोटे का पहला ओवर, अपनी टीम का पहला ओवर लेके देखिए बॉलर। बॉलर ने हेलो सौरव अपने कोटे का पहला ओवर, अपनी टीम का पहला ओवर लेके सामने अच्छी थी। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। पिछले मैच में पहली बॉल पे छक्के से खाता खोला था इन्होंने, लेकिन हालांकि 6 रन ही बना पाए थे। और नानी टाइगर बल्लेबाज सिलेंडर जो कि 50 रन बना के नाबाद थे पिछले मैच में, वहीं से अपनी इनिंग का स्टार्ट करेंगे।
सौरभ दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी बॉल, बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में, बल्ला तो बहुत तेजी से चलाता है लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। पिछले मैच में आदित्य उर्फ गोलू जिन्होंने 12 बॉल पे 36 रन की शानदार पारी खेली थी और 28 बॉल पे 56 रन बना के यहां वापस सरेंडर। सौरभ एक बार फिर खराब गेंद साथ वहां पे कई थोड़े खतरा लेकिन बहुत ही खराब पेड़ है, कई ड्राफ हुआ वहां पे स्थित का एक रन के साथ अपना खाता खोला इन्होंने और अपनी टीम को पहुंचाया एक के बिना किसी नुकसान के पहले ओवर में। अब इस तारीख में आ गए हैं सरेंद्र, पिछले मैच के 56 रन की आबाद पारी खेली थी पिछले मैच में इन्होंने। सौरभ काफी लंबा बॉलिंग लगा, अच्छी गेंदबाजी करते हुए सौरभ सौरभ दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और खराब बात है वहां पे फील्डर के हाथ में गेंद और इस बार नहीं छोड़ेंगे तो पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0 रन हो गए, 0 रन बना के आउट थे सरेंडर, खाता नहीं खोल पाए अपना। अब जा रहे हैं सरेंडर का स्थान लेने के लिए मेंडिस, प्रदीप उर्फ मेंडिस। अच्छी शुरुआत कप्तान गंत द्वारा, सौरभ को मिलने वाली पहली सफलता। प्रदीप को भी अपना खाता खोलना है, अब शुरुआती झटकों से उबरना होगा अगर इस मैच में कुछ करना है तो खानपुर को। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए अगर कैच पकड़े होते तो अब तक दोनों ओपनर बल्लेबाज फील्डिंग वापस आ गए होते, फिलहाल स्थिति सुरक्षित है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए और ये खराब बॉल वहां पे लगी स्टंप के बाहर, वाइड 5 रन मिलेगा ये। सौरभ अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एकाएक अपनी लाइन से भटके और 5 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सौरभ एक बार फिर भैया बॉल थोड़ा सा फेंक दीजिए, सौरभ एक बार फिर और ये अगर फील्डर को चेंज नहीं किए होते तो सीधे फील्डर के हाथ में आई थी बॉल। ठीक है सौरभ कोने वाला सैया, अच्छी गेंदबाजी सौरभ के द्वारा, भैया बॉल थोड़ा फेंकवा दीजिए देख के वहां से। और ये बहुत ही लंबा छक्का, और ये देखिए क्षितिज के द्वारा 100 मीटर का छक्का, छक्के के साथ अपनी टीम को पहुंचा दिया 13 पर। लंबा ओवर चलता हुआ सौरभ का, अच्छी बॉल एकदम बिल्कुल जड़ में किसी तरह खोल के निकाला और गेंद देखिए बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 2 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति पे महंगा ओवर रहा ये 15 रन एक विकेट के नुकसान पे।
तो पहले ओवर की समाप्ति पर कप्तानगंज का स्कोर 15 रन एक विकेट के नुकसान पे, सॉरी खानपुर भगतपट्टी का स्कोर 15 रन। ये प्रशांत के छोटे भाई किसी जमाने में इतना लंबा लगा छक्का लगाते थे प्रशांत भी, 100 मीटर का छक्का तो प्रशांत अपने एक हाथ से मार दिया करते थे। अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेंगे दौड़ते हुए, अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर सीधे कीपर के हाथ में। प्रदीप के लिए अच्छी बॉल वहां पे खराब तालमेल कीपर के हाथ में आएगी बॉल, यहां पे सलाम है खैरियत पता नहीं किधर में हाथ में विकेट खो दिया। अब जा रही है देवरी की जोड़ी स्टीवा और मारवा बड़े भाई आ रहे हैं प्रशांत की टीम के हर छक्के पे पुलिस की तरह से प्रशांत को 50 रुपया दिया जाएगा। ये लाइव चला रहे हैं अगर नहीं मार पाते तो 250 देना पड़ेगा दोनों सर। एक बार फिर और अच्छी गेंदबाजी ओवर में भी पीछे वहां भाई साला ही पीछे और के पीछे रह सर तो क्लब का शिकार प्रदीप रानो के ऊपर बन गए वापस आए हैं। ठीक है भाई चलो बता ठीक है भाई विपिन एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया प्रशांत जिनको भी अपना खाता खोला बहुत ही अच्छी बॉल बिल्कुल पैर में टकराई यॉर्क लेंथ की बॉल बिल्कुल पैर में किसी तरह से विकेट को बचाया अपना प्रशांत ने। बिल्कुल इज़मामुल हक की तरह हो चुके हैं शरीर में प्रशांत सिंह बिपिन एक बार फिर बिपिन एक बार फिर नीतीश के लिए बहुत ही और ये बहुत ही शानदार इतना धक्का लगता हुआ तो संकट में जाती हुई खानपुर भगतपट्टी की टीम जो पिछला मैच टूर्नामेंट हुआ था उसकी विजेता थी ये अब बहुत ही शानदार बल्लेबाज आदित्य सिंह जा रहे हैं क्षितिज का स्थान लेने के लिए। पिछले मैच में इन्होंने 36 रन की पारी खेली थी बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं ये सरकारी टीचर भी हैं। तो ये दूसरा ओवर समाप्त शायद हुआ है नहीं अभी हेलो बिपिन अपने ओवर की शायद लास्ट बॉल लेके आदित्य के लिए द
बहुत ही अच्छी बॉल वहां पे बाहर और ये वाइड बॉल का इशारा पाए के द्वारा इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर खानपुर भगत पट्टी का 16-17 है। 3 विकेट के नुकसान के दूसरे ओवर में हालांकि रन तो सही लाली विकेट ज्यादा गिरा चुके हैं। ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाजी के पवेलियन वापस आ चुके हैं। अब टीम का सारा कारोबार आदित्य और प्रशांत के ऊपर और एक रन से अपना खाता खोला आदित्य ने और अपनी टीम को पहुंचा दिया 18 पर। 2 ओवर की समाप्ति पर खानपुर भगत पट्टी 18-3 विकेट के नुकसान पर। फाइनल के स्थान पे गई और एक रन के साथ अपना अपनी टीम को पहुंचाया 19 पे और खुद पहुंचे 2 पे। अपने ओवर की दूसरी बार लेके सामने है प्रधान सारा दारोमदार प्रधान पराजित के ऊपर खानपुर 20 रन 3 विकेट के नुकसान के फिर तीसरे ओवर और
गेंद बिल्कुल बल्ले के ऊपर टकराई थी और इस तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति पर खानपुर पट्टी का बढ़ता हुआ स्कोरिंग की चार विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल इसी तरह से कप्तानगंज का भी स्कोर था, उनका चार ओवर में केवल 22 रन था लेकिन अगले चार ओवर में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। अब देखिए खानपुर भगत पट्टी क्या करती है। कुछ विचार विमर्श करते हुए कप्तानगंज के फील्डर आपस में कितना तक पहुंच मिली से अवधेश जिन्होंने नीचे आगे नीचे क्रम में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी इस पूरे मैच में ला दिया क्लोज करा क्लोज कप्तान को। अब गेंदबाजी का जिम्मेदारी संभालेंगे पांच बॉल पे 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी इन्होंने बैटिंग के समय एक बार फिर। और ये पहली बॉल पे प्रशांत ने खेल को बेला में टिकट बॉल के तरफ और एक रन मिलेगा यहाँ पे उनको छह रन के साथ खानपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन चार विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर में। और अपने ओवर की अगली बॉल लेके सामने बल्लेबाज हनुमान बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। और एक बार फिर बॉल को चेक करते हुए प्रशांत सिंह सभी दो बाले हुई है एक बार फिर काफी संकट के दौर में गुजर रही है इस समय कानपुर भगत पट्टी की टीम। आगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हनुमान के लिए अच्छी बॉल वहां पे गेंद है पहली नजर आ रही है बल्लेबाज का बाद में आ रहा है। एक बार फिर अवधेश अच्छी बल्लेबाजी के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए अवधेश दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया अच्छी बॉल वहां पर हनुमान से भी हुई लगातार तीसरी डॉट बॉल हनुमान के द्वारा बिल्कुल अनमने ढंग में साथ खेल रहे हैं हनुमान। और अपने ओवर के भी बॉल लेके सामने है हनुमान दौड़ते हुए बाजार किया अच्छी बॉल लगातार चौथी बॉल पे बीच हुए ने तो वाइड करा दिया। 23 रन
एकदम बिल्कुल कोई कंडीशन चलती हुई जो कप्तान ने की थी। तेईस रन हुआ 4 विकेट के नुकसान पे खानपुर भगत पट्टी का भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए कप्तानगंज के गेंदबाज और जैसे काफी और बहुत ही शानदार स्टॉक हनुमान के द्वारा ये देखिए बहुत ही लंबा छक्का भाई कोई दर्शक हो तो गेंद को लाके दे दे चौथे ओवर में जैसे बात भी हनुमान के लिए बहुत ही खराब बॉल लेग स्टंप के बाद वाइड दूसरी वाइड और देसी द्वारा तो जो पहली चार बॉल बहुत अच्छी फेंकी थी उसने लेकिन दो बॉल के लिए इन्होंने 8 रन खर्च कर लिया अभी बॉल बची हुई है और देसी एक बार फिर दौड़ते हुए बहुत ही शानदार और बैक टू बैक दूसरा छक्का हैट्रिक छक्के पे आ गए हम एक समय जहां 3 ओवर में 21 रन पे 4 विकेट गंवा चुकी थी कानपुर लेकिन चौथे ओवर में काफी महंगा ओवर साबित हुआ ये
अब बैट्समैन ओंकार ओंकार आए प्रथम करने के लिए। अब पूरी टीम की जिम्मेदारी आ गई है हनुमान के कंधे पर। हनुमान खेलने के लिए तैयार। बिपिन दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और ये तो लगा था लेकिन सिर्फ से थोड़ा पहले की गई बॉल एक रन के साथ बचा हुआ इसको 38 रन पांचवे ओवर में। आई ये तो लगाओ ना मुझे भाई आप भी लगाओ ना पीछे का करी हम सामने है ओंकार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऊपर कोई इशारा नहीं पहुंच गए कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन पांचवे ओवर में खानपुर भगत पटनी। ये 41 रन चाहिए जीत के लिए अभी भी खानपुर भगत पटनी को। बिपिन डॉक्टर बागरातिया अच्छा साथ वहां पे गेंद जा रही फील्डर के नीचे आ रहे देखिए और खराब फील्डिंग वहां पे जहां एक रन मिलना चाहिए था दो रन चुरा लिया बल्लेबाज हनुमान ने। दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 अच्छी गेंदबाजी करते हुए बिपिन बिपिन एक बार फिर डॉक्टर बर्दाश्त किया और ये खराब साधवा में कैद होने का खतरा लेकिन फील्डर गेंद से पीछे रह गए। और अगर ये विकेट पा जाते तो बिल्कुल मैच को पा जाते कप्तान के प्लेयर। बिपिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवर में अब उनके सामने होगा शानदार स्ट्रोक ओंकार के द्वारा गेंदबाज मिलन के बाद चार रन इस चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 46 रन पांच ओवर में 46 रन बना चुकी है खानपुर भगत पट्टी की टीम पांच विकेट के नुकसान पे। अब यहां से जीत के लिए तीन ओवर में अठारह बॉल पे 33 रन की जरूरत है 18 बॉल पे 33 रन की और जरूरत है लग सकता है। भैया थोड़ा जल्दी करें आप लोग
अब राकेश आए साहब, चौथी रन चाहिए जीत के लिए। अठारह बॉल पे 34 रन की जरूरत है भाई 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 भाई। राकेश है बॉलर, ये भैया एप्पस है। राकेश राइट नंबर ड्रिंकर दौड़ते हुए हम बात कर रहे हैं, खराब बॉल वहां पे, अच्छा शॉट लगेगा क्या नहीं लगेगा। सिग्नल के साथ कानपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 60 ओवर में। अब हम कहा है सामने राकेश के, अपने ओवर की दूसरी बॉल लेके दौड़ते हुए बहुत ही शानदार स्ट्रोक लगी, फील्डर आ रहे हैं तरीके से क्या होता है और ये दो फील्डरों के बीच में गेंद पहुंचने के बाद जा रहा है। अरे ये कैच छोड़ा मैच बॉल हुई होती तो शायद मैच हो जाता, ये दो फील्डर टकरा गए आपस में, नतीजा के सामने लाइन के बाहर जा रहा। तो इस तरह से 50 रन पूरा होता है कानपुर में, नतीजा 51। ओंकार एक बार फिर सामने है राकेश, काफी लंबा बॉलिंग है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास से लौटते हुए राकेश। एक बार फिर अच्छी बॉल बिल्कुल ब्लॉक होल में और एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52। अब यहां से 28 रन चाहिए जीत के लिए। बाईस रनों की और जरूरत है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले ओवर में जो हनुमान का कैच छोड़ा था इन्होंने वो मैच ही छोड़ दिया, जान लीजिए चौथा छक्का लगता हुआ हनुमान के बल्ले से। बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन, काफी महंगा ओवर जाता हुआ राकेश का। एक तारीख को बता रहे भाई फाइनल है राकेश। एक बार फिर बारह गेंदों पे 16 रन की और जरूरत। बारह के 16 रन की ओर से पुरस्कार मिलेगा फिरोजा की तरफ से। विकास अब देखिए किसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपते हैं कप्तान आरपी, विकास आए हैं। अब 12 बॉल पे 16 रन की जरूरत है जीत के लिए।
विकार सामने ओकार उन्तीस रन की पारी खेल के नाबाद है अभी हनुमान, इसमें चार तांडा छक्के शामिल। ए ऐसे सही है ना, ए बाबू ए देख लिया विकार विकास एक बार फिर सामने है ओकार के बाहर बॉल देखिए नहीं वाइट नहीं है शायद उसके शरीर के अंदर से गई थी। जीत के लिए 11 बॉल पे लाइन चेंज मत करिया। सामने है बल्लेबाज हनुमान लौटे हुए अंपायर का किया और ये बहुत अच्छा खेलने का बाबू एक बार फिर दौड़ते हुए किया और एक अच्छा साथ वहां पे ओंकार के द्वारा लेकिन अच्छी फील्डिंग विकेट के द्वारा के लिए बहुत अच्छे लाइन है बापू और ये साफ साफ खेलने का प्रयास किया था हनुमान ने। अगर यहां से कभी विकेट गिर जाता है तब भी मैच में आ जाएगी वापस कप्तान है ध्यान रखिए जीत के लिए 8 बॉल पे 11 अच्छी बॉल वहां पर शरीर से टकराई ओंकार के लेग बाय के रूप में चुरा लिया था बल्लेबाजों ने। अब 10 रन चाहिए 7 बॉल पे जीत के लिए दोनों बात ना पकड़ ले पीछे 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 बॉलर है विकास अच्छी बॉल वहां पे बाल बाल बचे 9 रन चाहिए हनुमान 9 रन चाहिए 6 बॉल पे 6 गेंदों पे 9 रन की और जरूरत। बहुत ही रोमांचक मैच पहुंच चुका है 6 बॉल पे 9 रन की जरूरत है। ये दूसरा मैच है जो थोड़ा सा रोमांचक है, पहला पॉस्ट लेवल का हुआ था जो अंतिम 2 बॉल पे 11 रन चाहिए था लेकिन विजय के नहीं बचा पाए थे।
और देश अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम का अंतिम ओवर लेके 9 रन चाहिए 6 बॉल पे। सामने है जबरदस्त बल्लेबाज हनुमान जो की पिछले ओवर में 18 रन दिया था लेकिन कप्तान ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। 6 बॉल पे 9 रन चाहिए हनुमान। इकतीस रन पे बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के की सहायता। बिल्कुल विकेट से चिपक के कीपिंग करते हुए विपिन। सामने है बॉलर अवधेश विपिन दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और सुल्तान बॉल लेकिन सीधे बॉलर के हाथ में पहली खराब बॉल का फायदा नहीं उठा पाए हनुमान। पांच बॉल पे 9 रन की जरूरत जबरदस्त में आज के तो फिर 9 रन की और जरूरत है। आदेश एक बार और चार बॉल 8 रन और ये मैच रोमांचक मोड पे शानदार चलता हुआ मैच ये 4 बॉल पे 8 रन की जरूरत। अपने ओवर की तीसरी बॉल लेके सामने है ओंकार की 11 रन बना के खेल रहे हैं। सात बॉल पे 11 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हो। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दौड़ते हुए फुटा बॉल खेला अच्छा बॉल वहां पे लेकिन फिगर है गेट के बाहर बॉल लेकर 3 बॉल पे 7 रन की जरूरत बहुत ही जबरदस्त 3 गेंदों पे 7 रन की और जरूरत। दर्शकों के दिलों की धड़कने तेज होती हुई काफी रोमांचक है भैया कुछ ना करेगा सेम राइट खाली गेना 3 बॉल 7 रन सामने है खतरनाक बल्लेबाज हनुमान जो कि 4 छक्के लगा के खेल रहे हैं। जब से उनके छक्के पे इनाम आया है छक्का लगना बंद हो गया। अरे प्लेयर गिन लिया ठीक है भैया चला एक बार फिर अवधेश दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया फुलता बॉल क्षेत्र में और ये लगी है एक बॉल 2 रन मिलेगा 5 रन चाहिए 3 बॉल पे। ये बहुत ही खराब गेंदबाजी कही जाएगी इस मोमेंट पे 3 बॉल 5 रन जबरदस्त मैच अगर ये वाइट नहीं हुई होती तो बहुत जबरदस्त मैच। अभी भी मैच दोनों तरफ तीन बॉल पे 5 रन की जरूरत फील्डिंग आगे आती हुई सिंगल के लिए एक बार फिर अच्छी बॉल वहां पे 1 रन मिलेगा और एक दूसरा रन पूरा फिर खराब तो वहां पे लेकिन ये रन नहीं होगा 2 ही रन मिलेगा क्योंकि बैट्समैन के शरीर से टकरा के बाद चली गई थी। 2 रन मिलेगा अंपायर साहब 2 रन
अब दो बॉल पे तीन रन की जरूरत। दो बॉल पर तीन रन की जरूरत। बहुत ही शानदार जैसा होना चाहिए, बिल्कुल रोमांचक। फिर खराब बॉल के मारने में क्या होता है? बहुत ही घटिया गेंद। तब बल्लेबाज तो कुछ नहीं कर पाए, बॉलर ने कुछ दबा दिया। इस तरह से मैच जीत गई कानपुर हॉस्पिटल। भाई ये मैच खत्म हो गया है, कल मिलते हैं फिर।